Hello guys, good evening. Good evening. How are you all? We are fine. Thank you. And you? I am also fine. Today we learn question answer of position second. आज हम second person question सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान है, बहुत छोटे हैं. इतने आसान question हैं कि इनको एक बार से याद करेंगे आप और आराम से पूछ सकते हैं लाइफ टाइम, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से याद रखना पड़ेगा. Look at here. तो कल हमने चालू करें हमारी second unit, जिसका नाम है position. Position मतलब कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन कहाँ है, किसके पास क्या है. तो सबसे पहले अपन ने फर्स्ट पर्सन, जैसे कल बताया गया था कि सारे संसार में पर्सन को तीन भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन यानी होता है बोलने वाला. जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो मैं होऊंगा फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो तो आप ये कहलाओगे सेकंड पर्सन, और इनके अलावा दुनिया में जितने बच्चे सब ये कहलाएंगे थर्ड पर्सन. तो कल हमने फर्स्ट पर्सन के बारे में बताए थे. फर्स्ट पर्सन यानी मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई. तो आई की पोजीशन बताने के लिए आई के साथ क्या लगाते हैं, एम. मैं छात्र हूँ, क्या बोलोगे, आई एम अ स्टूडेंट. मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट. मैं सिवनी में हूँ, आई एम इन सिवनी. और मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार. तो ये आई की पोजीशन मैंने बताए थे और कल इसी क्वेश्चन पूछे. आज हम बात करेंगे सेकंड पर्सन के बारे में. आज हम यू से पूछेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं और बहुत आसानी से इनको आप पूछ सकते हैं. ठीक है, तो देखिए, लुक एट हियर, यहां देखिए, अब पूछना है आपको क्या से, क्या तुम, क्या तुम या क्या आप. तो स्टार्टिंग करना आर यू, क्या तुम, आर यू, क्या तुम, यहाँ पे जो रखना रख सकते हो आप, क्या तुम डॉक्टर हो, क्या पूछोगे आप, आर यू डॉक्टर. क्या आप इंजीनियर है, आर यू इंजीनियर. क्या तुम वाइस, ये लिखा वाइस, वाइस यानी क्या होता है, बुद्धिमान, वाइस होता बुद्धिमान, अकलमन. तो क्या तुम बुद्धिमान हो, क्या पूछेंगे आप, आर यू वाइस, आर यू वाइस. तो अगर आप होंगे तो बोल देंगे हाँ, यस आई एम वाइस, हाँ मैं बुद्धिमान हूँ, या नो आई एम नॉट वाइस, नहीं मैं बुद्धिमान नहीं. हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, एक अच्छी क्वालिटी और एक नेगेटिव क्वालिटी. हाउ आर यू, एक्टिव और डल. एक्टिव यानी होता है चुस्त, रेडी टू डू एवरी वर्क, कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार, एक्टिव. और एक होता है डल, बिल्कुल सुस्त, मध्य हवा, बिल्कुल डल. तो हाउ आर यू, एक्टिव और डल, आप एक्टिव हो कि डल हो. तो हमें लाइफ में एक्टिव रहना चाहिए, डल नहीं, कोई भी काम करने की हमेशा तैयार रहना चाहिए, एक्टिव. तो आई एम एक्टिव बोलना फट से, आई एम एक्टिव, मैं एक्टिव हूँ, नॉट डल, डल नहीं. या फिर आई एम बोथ, मैं दोनों हूँ, आई एम बोथ, या आई एम नॉट बोथ, मैं दोनों नहीं हूँ. चलिए, कोई भी अब न्यू स्टूडेंट आपसे मिले, कोई भी न्यू पर्सन आपसे मिलता है, तो हेलो हाउ आर यू, बाद उससे ये क्वेश्चन करिए, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, कौन है आप, कौन है आप, हु आर यू. तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया हु आर यू, कौन है आप, तो आई एम, यहाँ अपना नेम बताएंगे आप, आई एम और नेम, आई एम अपना नाम बताना. लेकिन अब सवाल आपसे पूछे व्हाट आर यू, व्हाट आर यू मींस तुम क्या हो, व्हाट आर यू, तो यहाँ अपना काम बताएंगे. आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आई एम अ प्राइवेट एम्प्लॉई, जो भी बताएंगे आप. ठीक, चलिए आगे आ रहा है, वेयर आर यू नाउ, ये मोबाइल वगैरह में पूछते हैं, हेलो कहाँ हो आप, तो इंग्लिश में पूछो हेलो वेयर आर यू नाउ, तुम अभी कहाँ हो, तुम अभी कहाँ हो, वेयर आर यू नाउ. तो जहां हम बताएंगे अपन कि आई एम इन क्लास नाउ, अभी तो मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास नाउ. अभी मैं मुंबई में हूँ, क्या बोलेंगे आप, आई एम इन मुंबई नाउ. ठीक है, मैं अभी गाँव में हूँ, आई एम इन विलेज नाउ. क्यों हो तुम क्लास में, क्यों हो, वाई, वाई आर यू इन क्लास, आप क्लास में क्यों है, वाई आर यू इन क्लास. आप मुंबई में क्यों हो, वाई आर यू इन मुंबई. तुम गांव में क्यों हो, वाई आर यू इन विलेज, क्यों हो, तो वाई लगाएंगे. वाई आर यू इन क्लास, तुम क्लास में क्यों हो, क्या कर रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं बताना पड़ेगा, बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, आई एम लर्निंग इंग्लिश, बिकॉज आई एम लर्निंग इंग्लिश. फिर हो सकता है वो आपसे पूछ ले वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो उसका आंसर हमारे पास लिखा हुआ रखा है, because english is an important and connecting language and i want to improve my language english, that's why i'm learning english. iska answer maine likha chuka hu, maine usko aap yaad kar lenge. theek hai, ab aa raha hai question, are you, fir are you se, are you fond of, kal padhe the apan ne, fond of means kal padhe tha, shaukeen hona, fond of means kya ho raha hai, shaukeen hona. are you fond of tea, kya tum chai ke shaukeen ho, are you fond of mobile, kya mobile ke shaukeen hai, are you fond of books, क्या आप किताबों के शौकीन हो, तो होंगे तो आप बोलना यस, यस आई एम फॉन्ड ऑफ टी, हाँ मैं चाय का शौकीन हूँ, या फिर नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टी, नहीं मैं चाय का शौकीन नहीं हूँ.
तो अब पूछना है कि आप काय के शौकीन है, किस चीज के शौकीन है, तो इंग्लिश में से पूछेंगे आप व्हाट थिंग आर यू फॉन्ड ऑफ, व्हाट थिंग आर यू फॉन्ड ऑफ, आप काय के शौकीन है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ जिसके होंगे आप, आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, या किसी के भी, और किसी के नहीं तो क्या बोलेंगे, नथिंग, किसी के शौकीन नहीं तो नथिंग। अब सवाल बोल रहा है मैं चॉकलेट का शौकीन हूँ, तो अब पूछना है कौन सी चॉकलेट के शौकीन है, पर ये पूछना विच चॉकलेट आर यू फॉन्ड ऑफ, आप कौन सी चॉकलेट के शौकीन है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ जो भी हो या रख देना आप मंच जो या फिर एनी चॉकलेट जो भी फ्री मिल जाए ना, ठीक है। आर यू फेड अप विथ, ये पढ़े थे अपने, फेड अप विथ मींस, फेड अप विथ मींस तंग आ जाना या ऊब जाना, तंग जाना या ऊब जाना। आर यू फेड अप विथ टीवी, क्या आप टीवी से तंग आ गए हैं, ऊब गए हैं। आर यू फेड अप विथ स्टडी, क्या तुम पढ़ाई से तंग आ गए क्या। आर यू फेड अप विथ बाइसिकल, क्या तुम साइकिल से तंग आ गए हो। तो हाँ यस आई एम फेड अप विथ टीवी, हाँ मैं टीवी से तंग आ गया हूँ, या नो आई एम नॉट फेड अप विथ टीवी, नहीं मैं टीवी से तंग नहीं आया हूँ। तो फिर पूछना है व्हाट थिंग आर यू फेड अप विथ, किस चीज से तंग आ गए आप जीवन में। तो आई एम फेड अप विथ मूवीज या करप्शन या जिससे तंग आ गए बताएंगे आप, और किसी ने बोला क्या बोलेंगे, नथिंग। आगे हुम आर यू फेड अप विथ, हुम यानी हुम का यूज करते हैं पर्सन को पूछने के लिए, तुम किससे तंग आ गए हो, किससे, पर्सन के लिए यूज करेंगे इसको, पर्सन। हुम आर यू फेड अप विथ, तुम किससे तंग आ गए हो, किस इंसान से तंग आ गए हो। तो जिससे अगर तंग आ गए होंगे आप, आई एम फेड अप विद जो भी, रवि सुनीता संगीता जो भी है, आई एम फेड अप विद जिससे तंग आ गए हैं, या किसी से क्या बोलेंगे, नोबडी, कोई इंसान से तंग नहीं आया। चलिए अब आ रहा है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, किसी की भी एज पूछना है, ऐसे पूछेंगे आप हाउ ओल्ड आर यू, या फिर ऐसा पूछेंगे आप व्हाट्स योर एज, कि आपकी आयु क्या है, उम्र क्या है, व्हाट्स योर एज। तो आई एम जितने साल की रख देना आप, I am 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years old. और जो लड़का या लड़की 13 से 19 के बीच में आते हैं उनकी आयु में टीन लगा रहता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. तो 13 से 19 साल के लड़का या लड़की अपने आप बोल सकते हैं आई एम teenager, क्या बोलेंगे आप, आई एम teenager. Teenager मतलब होता है किशोर या किशोरी, मतलब समझ जाएगा सामने वाला आपकी आयु 13 से 19 के बीच में कहीं आती है, आई एम teenager, ठीक है। और अब कई बार कई गर्ल्स वगैरह लेडीज स्पेशली आयु बताना नहीं चाहती अपनी, तो उनके लिए भी लिखा हुआ है सॉरी माफ करना, आई डोंट वांट टू टेल यू अबाउट इट, माफ करना मैं इसके बारे में आपको बताना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो कोई भी बात किसी को नहीं बताना है फिर ये बोलिए, ये वाली लाइन याद कर लो आप, कहीं पर भी आप कोई किसी को कोई चीज नहीं बताना चाहते हो तो ये वाली लाइन याद कर लीजिए, ये बोल दिया करो आप बाहर, किसी ने पूछा यार ये मोबाइल कितने का है, सॉरी यार आई डोंट वांट टू टेल यू अबाउट इट, मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है आराम से बोल सकते हैं। चलिए अब whose side किसकी ओर, whose side are you on, तुम किसकी साइड हो, बायो और मैथ्स, बायो के साइड हो या मैथ्स के, अब यहाँ चेंज कर दो आप, whose side are you on क्रिकेट और फुटबॉल, whose side are you on मम्मी और पापा, whose side are you on स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली, whose side are you on न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, whose side are you on आर्ट्स और कॉमर्स, जो है पूछ सकते हैं आप, ठीक। तो अब जिसके साइड को बताएंगे आप, आई एम ऑन बायो साइड, मैं बायो साइड हूँ, या आई एम बोथ साइड, मैं दोनों के साइड हूँ, या फिर आई एम नॉट बोथ साइड, मैं दोनों के साइड नहीं हूँ। चलिए लास्ट ये क्वेश्चन आ रहा है व्हाट अबाउट यू को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये दो कंडीशन में अलग अलग पूछा जाता है। पहली कंडीशन कैसी, कि एक कंडीशन ये आती है जैसे अपन दो लोग बात कर रहे हैं कन्वर्सेशन, और वाइल कन्वर्सेशन बातचीत के दौरान जैसे आपने कुछ क्वेश्चन करे कि आपने पूछे व्हाट इज योर हॉबी, तुम्हारी हॉबी क्या है, तो सामने वाले ने बताया माय हॉबी इज जो भी, अब फिर वही क्वेश्चन जो सामने वाला आपसे करता है तो वो उस क्वेश्चन की जगह आपसे ये पूछेगा, वो व्हाट अबाउट यू, मतलब तुम्हारे बारे में क्या, तो फिर वहां पे आपको वही आंसर देना है, कौन सा, जो आपने पूछे थे उससे हॉबी बताना, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पहली बारी मिले, फर्स्ट टाइम मिले, किसी ने आपसे बोला हेलो हाउ आर यू, और अब बोल दिया उसने आपसे अगले बार व्हाट अबाउट यू, तो अब यहां वो आपके बारे में जानना चाहता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या थो डिटेल दो आपकी, तो व्हाट अबाउट यू, या इसके ऊपर पूछ सकते हैं आप व्हाट अबाउट यूर सेल्फ, तुम्हारे बारे में क्या, व्हाट अबाउट यू या यूर सेल्फ,
तो कोई भी अगर आपसे पूछे व्हाट अबाउट यू योरसेल्फ, तो फिर उसमें अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे देना, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ये, अपना नाम, आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन क्लास 12th, आई बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम, आई बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, माई फादर नेम इज ये, ही इज अ फार्मर एंड माई मदर नेम इज, जितना बताना चाहे बता सकते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए आप, जैसा टाइम रहे वैसा देंगे आप, ठीक है, मौका देके देना है। अब ये नहीं किसी, मान लो बाहर पार्टी चल रही है और किसी ने पूछ लिया व्हाट अबाउट यू, पर्पस शुरू होगा पूरा इंट्रोडक्शन देने वहाँ पार्टी में, सामने वाला व्यक्ति को आपको सुनते सुनते टाइम खत्म हो गया पूरा, ठीक है, तो ये टाइम देख के बोलना है अपने को, कैसा जब लगे कि ज्यादा बोलना है तो पूरा इंट्रोडक्शन दो, तो शॉर्ट में आई एम ये, आई एम ए स्टूडेंट, और क्लियर कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ था अपनी कोचिंग की लड़की से मुंबई में इंटरव्यू में, कौन सा, कि प्लीज टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, अपनी कोचिंग गर्ल्स थी मुंबई इंटरव्यू देने गई बैंक में और मैं आई कमेंट बोल के अंदर गई, पहले ही क्वेश्चन हुआ था उससे कि बेटा प्लीज टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, तो उन्हें जैसे चालू करी फर्स्ट ऑफ ऑल से पूरा आधी मिनट में अपने बारे में बता दी बिल्कुल फास्ट, अगला क्वेश्चन हिंदी में डायरेक्ट, तो उन्हें समझ गया कि इंग्लिश आ रही है, तो वो कैसे आफ्टर प्रैक्टिस, क्योंकि वो डेली डायस में आते थे और प्रैक्टिस करते थे, जब जाके मुंबई जैसी जगह में बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने उसने बहुत ही विदाउट एनी हेजिटेशन अपने इंट्रोडक्शन दे दी, वो हेजिटेशन दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, एज आई टोल्ड यू इन माय एवरी क्लास कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके अंदर क्लियरेंस आएगा, आप कितने ही क्लास लगाएं वीडियो देख ले इंग्लिश उससे नहीं आएगी, इंग्लिश आएगी प्रैक्टिस से और बोलने से, जब आप लाइफ में अपने जीवन में उसको डेली लाइफ में इंग्लिश को यूज करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे, तब आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं, यू अंडरस्टैंड, तो ये बताएंगे आप प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल करके पूरा इंट्रोडक्शन बताना है, यू अंडरस्टैंड मिल जाएगा सभी को, तो यू से इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ये सारे क्वेश्चन विदाउट टेंस है, ये सारे क्वेश्चन क्या है विदाउट टेंस, यू अंडरस्टैंड, बिना टेंस पूछ सकते हैं आप, इसके आगे फिर अपन बड़े क्वेश्चन करेंगे, तो पहले शुरुआत में हमको ये क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन आपको याद आसानी से हो जाएंगे और ये 15 क्वेश्चनों से आप अपने आप को कॉन्फिडेंस मिल सकते हैं, सामने वाले से बातचीत शुरू कर सकते हैं, तो इसे याद करिए और अपनी बातचीत शुरू करिए, ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।